नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गुंजन। खूंटी जिले की बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दें कि रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समल निवासी शिवशंकर शाह की 23 वर्षीय पुत्री सुषमा कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या करने का कारण का पता स्पष्ट रूप से नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए खूंटी भेज दिया, जहां से कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। अगली खबरों में बता दें कि खूंटी जिला भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ खूंटी के निजे चौक में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए एक विशेष कमरा अलॉट किया गया है, जिसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी खूंटी जिला ने खूंटी के नीचे चौक में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। खबरों में आगे बता दें कि खूंटी जिले के ग्राम एरिंडा में विदेशी तकनीक द्वारा मछली पालने का पहला प्लांट स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मदद कर स्थापित करवाया गया है। अगली खबरों में बता दें कि तोरपा के शांति नगर में स्थानीय युवाओं के नेतृत्व में तोरपा प्रखंड अंतर्गत तोरपा पश्चिमी पंचायत के बाहा सरना पूजा स्थल पर शिक्षक दिवस के साथ साथ मदर टेरेसा के 24वें पुण्यतिथि भी मनाया गया। वहीं एक अन्य खबरों में बता दें कि पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनुआ में शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां पश्चिम सिंहभूम जिले के आदिवासी हो समाज के युवा महासभा के अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रोम ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज गुंजन।